अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ से आए मां आप? चार दिन का सफर करके आए? हाँ, क्या तकलीफ, क्या तकलीफ लेकर आए? मेरे पास सिर्फ औलाद नहीं है, बाकी सब ठीक है। रोना बंद करो पहले आप। इंशाल्लाह आप इतनी दूर से आए तो बहुत दूर दूर से आप चार दिन का सफर करके आए मुझसे मिलने के लिए। मैं यूजुअली बोलता हूँ लोगों को, मुझसे मिलो भी न को, आप घर बैठ के तैयार हो जा सकते हैं इंशाल्लाह। अब वैसी चीज़ बदला तुम्हें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, जो भी लोग बोलती बांझ है औरत, बच्चे नहीं होते, ये डिसाइड कर देती, ये फतवा छोड़ देती ना, ये 101% फेक है। पहली बात, औलाद देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला से दुआ करो, आपका मसला हल हो जाता है इंशाल्लाह। दुआ करने के बाद अल्लाह ताला इलाज भी दिए हुए हैं हर बीमारी का, है नहीं? जो इलाज अब मैं बोलता हूँ वो आप कर लिए इंशाल्लाह, आप बिहार से नहीं, दुबई से भी आने की जरूरत नहीं रहती, कहां से भी बाजू गली रही तो भी आने की जरूरत नहीं रहती आपको इंशाल्लाह। घर बैठ के तैयार हो जा सकते आप। पहली बात, नॉर्मल रिपोर्ट्स आते मर्द के भी और औरत के भी, लेकिन औलाद नहीं आता होती, है नहीं? प्रॉब्लम यूजुअली कहां होती? एक, मर्द गर्म रहना, दूसरा औरत ठंडी रहना, है नहीं? इन दोनों के अंदर प्यार मोहब्बत भी रहना बेहद जरूरी है, है नहीं? तो एक मर्द गरम, दूसरा औरत ठंडी, है नहीं? यहां क्या हो रहा, सिस्टम खराब हो रहा, औरत गरम हो जा रही और मर्द ठंडा हो जा रहा, है नहीं? तो इसके ऊपर ध्यान दियो, पहले दुआ कर लो अल्लाह के पास, उसके बाद ये बात आप ध्यान दियो, मर्द गरम और औरत ठंडी, ये बात आप समझ गए, ये लॉजिक समझ गए इंशाल्लाह, दोनों के सिस्टम सही हो जा सकते। समझ रही हैं आप? खान पान, अब मर्द कैसा गरम रहना, जैसा कि ड्राई फ्रूट्स खाना, सिगरेटा, गुटका, दारू, ये गंदे आदतों से और गंदे कामों से और जिना करने से, इन चीज़ों से भी बच के रहना, है नहीं? और इरेक्टल डिसफंक्शन, स्पर्म क्वांटिटी कम रहना, है नहीं? ये सब भी क्या, मर्द के अंदर की कमजोरी, ये मर्द को क्या कर देता, ठंडा कर देता, जिसकी वजह से इन्हें बिस्तर में नरम पड़ जाता। समझ रही? अब इन्हें गर्म रहा तो इसकी गर्मी पहुंच के तो इसे औलाद होती। समझ रही? इन्हें गर्म कैसा रहना, एक ऐसे रेमेडी बोलता हूँ इंशाल्लाह, अभी आप घर बैठे कर लेंगे तो आधे घंटे में आपके अंदर वो खुवत आ जाती इंशाल्लाह खुदरतन, और आपके अंदर की नामर्दानगी दूर हो जाती। क्या करो, जो है खजूर ले लो एक, ये खजूर हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेवरेट जो है ग़िज़ा है। ये खजूर में अल्लाह ताला शिफा रखे हुए हैं। एक खजूर, उसमें दो चुटकी कतीरा गोंद, एक खजूर उसमें दो चुटकी कतीरा गोंद, छः चुटकी काली तिल और 10 चुटकी काली मुसली मिला लेके हम बिस्तरी करने से एक घंटा पहले खा लेना, तो इसमें टाइमिंग भी बढ़ती, खुवत भी आती और मर्द गर्म भी हो जाता। समझ में आ रहा? हम बिस्तरी करने से एक घंटा पहले इंशाल्लाह, तो इससे आपका स्पर्म क्वांटिटी भी बढ़ जाता, इससे आपका टाइमिंग भी बढ़ जाता, इससे आप जो है बिस्तर पे मजबूत रहते अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? हाँ, तो अब औरत की बात,
अब औरत का खान पान भी बेहद ज़रूरी है, सबका दिल जीतना भी ज़रूरी है। आज क्या हो जरा एक कम उम्र में हमारे नस्ल ख़राब हो जा रही, जैसा कि जो है वीडियोस देख लेना, जो है नाजायज रिश्ते कर लेना, ठीक है। तो मर्द को और औरत को ज़रा जल्दी शादी कर ले तो अच्छा है, 18 साल में औरत को, 21 साल में मर्द को। जब शादी हो गया, उन्हें जिम्मेदारियां आ गए, तो जाहिर सी बात है काम भी करता, मजबूत भी होता और अल्हम्दुलिल्लाह जो है जिम्मेदारी समझ में आती, नहीं तो खाली टिकटॉक में खेलते रहता उन्हें। कच्चा बादाम है नहीं, ट्रेंडिंग पर चल रहा आज। हाँ तो शादी ज़रा जल्दी करो, ये देर शादी कर देने की वजह से जो है इन्हों जवानी में जो है अपने हाथों से गुनाह कर लेके अपने बच्चों का अपने हाथों से कत्ल कर दे रहे। सोचने वाली बात है, अपने बच्चों का अपने हाथों से कत्ल कर दे रहे और औरतों को भी इतनी जल्दी शादी कर दे रहे, उनको अभी दुनिया समझ में नहीं आती। 15-16 साल नहीं, 18 साल तो होने दो, उसके बाद जब आप शादी करेंगे तो उनको उन्हें एक बच्ची से जो है एक औरत हो जाती है, जिसके जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आ जाती है उनके दिमाग पे, और उनको जीने का सलीका भी नहीं मालूम, खान पान का तरीका भी नहीं मालूम, समझ में आ रहा। इससे हार्मोन इम्बेलेंस हो जा रहा, उनकी सेहत के ऊपर इफेक्ट हो रहा, और उन्हों बच्चों को जनरे भी नहीं, कंसीव नहीं हो पा रहे। उन्हों कंसीव नहीं होने का रीज़न ये है, हार्मोन इम्बेलेंस हो जाना और जो है टू ब्लॉकेजेस हो जाना, PCOD हो जाना, PCOS हो जाना, थायराइड आ जाना। थायराइड आ गया तो वहाँ से बैलेंस ख़राब हो गया आपका, और आप माँ बनना मुश्किल हो जाता। खान पान समझ गए आप तो आपका कंडीशन सही, समझ में आ रहा। हाँ तो ठंडा रहना मैं बोलती हूँ, ठंडा कैसा रहती है, ये अलोवेरा अल्लाह के तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है आपको, ये आपके मेंसेस के सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है इंशाल्लाह। जब आप मेंसेस होते तो उसके दूसरे दिन अलोवेरा का एक पत्ता और एक माउस ग्राइंडर करके खा लो नहार पेट, 3 दिन करो, समझो 1 तारीख को मेंसेस हुआ, 2, 3, 4 ये 3 दिन करो, ये आपके अंदर जो है फुनसुनी जो होकर होती बच्चेदानी में उसे क्योर कर देती, आपके ब्लॉकेजेस को ओपन कर देता, आपके अंदर सिस्ट को ख़त्म कर देता, और आपको इरेगुलर पीरियड्स हो रही तो उसे भी जो है रेगुलर कंडीशन पे ला देता। वो खासियत रखे हुए हैं अल्लाह ताला इन चीज़ों में, समझ में आ रहा। और ये आपको ठंडा भी कर देता, समझ रहे हैं आप, ये आपको ठंडा भी कर देता, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, औरत ठंडे होना। और उनको खान पान का तरीका क्या, गर्म चीज़ा नहीं खाना उन्हों, जैसा कि चिकन, मटन, गोश्त, अंडा, मच्छी, हरी मिर्ची, मसाला, ये आइटम से परहेज करना, छाछ खाना, दूध खाना, दूध खाना और फिक्की दाल का खाना, जिसमें लाल मिर्ची डाल सकते, नमक डाल सकते, छेली का गोश्त खा सकते, दूध खाना खा सकते, नारंगी खा सकते, और रिसर्च करो ठंडे चीज़ों को से हैं वो खा सकते। अगर ये आप बैलेंस सीख गए इंशाल्लाह औरत बांझ नहीं हुएंगी, 101% इंशाल्लाह 1 महीने में रिजल्ट आएंगे आपको। खाली ये बेसिक खान पान समझ ले तो जानवर खड़े जगह 10 बच्चे हमको पैदा कर देता, और किसी की भी मदद नहीं लेता सिवाय अल्लाह के, है नहीं, ना दांत लगड़ता ना नहाता। अल्लाह कुदरती हर एक चीज़ा से नवाज दिए जानवर को, लेकिन इंसान ने इतना जो है मोहताज है अल्लाह के सिवा किसी और चीज़ों के ऊपर यकीन, इबादत, भरोसा, अकीदा नहीं लाना, फिर भी हमें क्या करते हैं, डिपेंड हो जाते हैं एक के ऊपर, सिवाय अल्लाह के किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। और ये जो मैं रेमेडीज़ बोल रहा हूँ, अगर ये आप समझ गए इंशाल्लाह आप मेरे पास नहीं आएंगे।
कितने की लोग खाली रेमेडीज देख के ठीक हो जा रहे, अल्लाह का फजले करम है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं खुश हूँ, मैं बिजनेस नहीं बना रूं, आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग, सिर्फ आप लोगों की दुआ इंशाल्लाह मुझे इस दुनिया और आखिरत में काम आएंगी। वो एक भरोसे के ऊपर ये सारे चीज़ें मैं छोड़ दे रहा हूँ। मेरे दादी का इलाज ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको, जो 500 साल पुराना सही इलाज होता था, मेरे दादी से मेरे अम्मी और मेरे अम्मी से मेरे तक आया। और मैं चाहता हूँ कि हर एक मुसलमान नहीं, हर एक इंसान के पास ये इलम पहुंचना, हर एक इंसान, ऐसा नहीं मुसलमान हिंदू सिख ईसाई, हमें डिवाइड हो गई, हिंदू अलग मुसलमान अलग, मुसलमान में भी डिवाइड, इन्हें सुन्नी अलग इन्हें तुंडा अलग, है नहीं, तुंडा में भी कास्ट, ये डिवाइड 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 एंड रूल खेल 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 को अल्लाह हम ना बिजी कर दे रही हमारे बीमारियां में छमना मुब्तला करके। अगर हमें खिदमत में लग गए तो अल्लाह हम ना सेहत दे देती, हमें खिदमत तो नहीं करते, खिदमत करने वाले को करने नहीं देते, जो खुश है उनको देख नहीं सकते, जो अच्छे ही वहाँ पे अंगार लगाने की कोशिश करती, इसलिए अल्लाह ना सेहत देते ना औलाद देते। ज़रा बाहर लेकर आ जाओ, आप ना सेहत देती ना औलाद देती, समझ में आ रहा। ये एलोवेरा इंशाल्लाह औरत को ठंडा रखता, औरत के अंदर के सारे प्रॉब्लम्स को दूर करता इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आपके अंदर अंडे भी बनेंगे और आपको जो है PCOD PCOS सिस्ट फाइब्रॉइड टू ब्लॉकेजेस इन सारे प्रॉब्लम से छुटकारा भी मिल जाएगा। एलोवेरा और मौज मेंसेस होने के दूसरे तीसरे और चौथे दिन लेने से ना हार पेट। नारियल का पानी डेली लियो, सुबह में एक शाम में एक, समझ में आ रहा, ये भी ठंडक है, आपके मेंसेस को रोक के रखता और आपके आपको कंसीव होने में टोटली हेल्प करता ये नारियल का पानी, समझ में आ रहा। एलोपैथिक गोलियां नहीं खाना अगर आप ये काम कर रही तो, क्यों बोले तो एलोपैथिक गोलियां से हीट होके आपको जो है मेंसेस जाने का चांस रहता। पहले पेट को एक साफ रख लो, एसिडिटी से बच के रहो। आज किसी को भी पेट साफ नहीं है, सबका पेट खराब है कि बोलो, खाली गोश्त नहीं सो खाना नहीं खाते हमें, दबा दबा राना शेर ना, हमें खाली गोश्त खाती, हंसदा हो को लेट जाती, फिर बकरा हो को खाली सब्जी बुढ़ापे में, दाँतां पूरे झड़को रहती ना हमारे, है नहीं। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो इंशाल्लाह, आपका मेहनत का पैसा आप खुद खाएंगे, नहीं तो आपका मेहनत का पैसा कोई और खाएगा, खाली रेफरेंस करके आपको IVF करो, ये करो, स्पर्म टेस्ट करो, वो करो, ये खाली रिपोर्टा में आपके मेहनत के पैसे चले जाएंगे। मेहनत करया मुर्गा, अंडा खाया फकीर, खूब मेहनत करनी, खून पसीने का पैसा आपका, ये नियामत सीख जाओ और इंशाअल्लाह अपनों को भी आप जो है ये नियामत जो अल्लाह इलम के नियामत से आपको जो है ये दौलत से नवाज रही बोले तो अपनों को भी ये आप शेयर करो इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको और हम सबको इंशाअल्लाह गुनाहों से बचाएं और सही रास्ता बतलाएं और इंशाअल्लाह खिदमत खल्क करने की तौफीक अता फरमाएं। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़ायदा उठा रही हैं और लोगों को भी फ़ायदा उठाने दे रही, माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही। ये इलम सीख जाओ और जो भी रेमेडीज़ मैं बोल रहा हूँ लिख लो आपके डायरियों में इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मैं भी जो है बुक लिख रहा हूँ आप लोगों की खिदमत के लिए, डेली एक 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 एक्स्ट्रा रेमेडी ऐड करते हुए जा रहा हूँ, इसीलिए Part 1 Part 2 के हिसाब से मैं बुक्स बनाऊँगा फ्यूचर में और आप सभी तक इंशाअल्लाह इसे पहुँचाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पहला मैं बोला मर्द को गर्मी और औरत को ठंडा, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट। और मर्द उजली प्याज अपनी आदत में ले लो, डेली दोपहर में एक उजली प्याज, ठीक है, ये अल्लाह मर्द के लिए ज बनाए सो है, उजली प्याज कच्ची पूरी चबा के खा लेना खाने के साथ, अगर नहीं हो रहा जूस बना के पी लो, ये आपके अंदर की कमज़ोरी को दूर कर देता इंशाल्लाह, आपके वीकनेस को दूर कर देता और आपको ताकत लाता इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 6 तारीख को बीदर, 8 तारीख को रायचूर, 9 तारीख को कर्नूल इंशाल्लाह, गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी शोर गुम्बज रिंग रोड, 6 तारीख को बीदर में जामिया हाशमिया दुल्हन दरवाज़ा चुन्ना भट्टी, 6 तारीख को बीदर, 8 तारीख को रायचूर अल सलामा फंक्शन हॉल,
9 तारीख को कर्नूल, ये एनआर नमस्ते फंक्शन हॉल इंशाल्लाह, 17 तारीख को मैसूर, 18 तारीख को होसूर और 21 तारीख को मुंबई। जितने भी मैं रेमेडीज बोल रहा हूँ आपको असर हो रहा नहीं तो मिल ले आओ इंशाल्लाह, फायदा नहीं हुआ तो मिल ले आओ आप, उसके बाद का काम मैं करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है ना। ये रेमेडीज से फायदा उठा लेके घर पे बैठ के दुआ देने की कोशिश करो, बस उतना काफी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा फोन नंबर 9900366495 7795414139 8197041411। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।